तो टोटल 10,000 पेजेस का कंटेंट जो है उस ऐप में हम लोगों ने इंस्टॉल करके रखा है। तो वो ऐप जो है वो स्टूडेंट यूज करेगा, नो डाउट अगर उसके पास मोबाइल नहीं तो वो अपने मम्मी या डैडी के मोबाइल में वो ऐप इंस्टॉल कर सकता है और उसके थ्रू गो थ्रू कर सकता है। एज अ फ्रेंचाइजी आपके लिए एडवांटेज और एक है कि आपके लोकल एरिया में जो लोकल ट्यूशन क्लासेस चलते हैं, मैं ब्रांडेड ट्यूशन क्लासेस की बात नहीं कर रहा हूँ, लोकल ट्यूशन क्लासेस की बात कर रहा हूँ कि जहाँ पर 25, 30, 40, 50 स्टूडेंट्स होते हैं, उन ट्यूशन क्लास को आप अप्रोच कर सकते हो एज अ फ्रेंचाइजी। क्योंकि वो ट्यूशन क्लास जो है एट प्रेजेंट व्हाइट बोर्ड पे या ब्लैक बोर्ड पे ही बच्चे को पढ़ाते हैं, उनके पास मीन्स कंप्यूटर होता है लेकिन डिजिटल कंटेंट नहीं होता है। तो ISVM इंडिया वो डिजिटल कंटेंट जो है उस ट्यूशन क्लास को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ये डिजिटल कंटेंट जो है आपके थ्रू उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है, तो एज अ फ्रेंचाइजी यू कैन चार्ज रॉयल्टी टू दैट ट्यूशन क्लास। उस ट्यूशन क्लास को अगर वो CBSE का रन कर रहा है तो CBSE का उनका उनके पास अगर फर्स्ट टू फिफ्थ स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स है, 25 स्टूडेंट्स है, तो उनको आप डिजिटल कंटेंट दे सकते हो, प्रोवाइडेड आप उनसे मिनिमम 500 से लेकर 5,000 तक की रॉयल्टी चार्ज कर सकते हो। कि उनको आपने डिजिटल कंटेंट प्रोवाइड कर दिया, उनके 25 स्टूडेंट्स है, अगर हर एक स्टूडेंट का 500 रुपये भी महीना है तो 12,500 रुपीज पर मंथ है। तो उनको आप बोल सकते हो कि मैं डिजिटल कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ तो उसमें से 500 रुपीज या 1,000 रुपीज रॉयल्टी एवरी मंथ में चार्ज करूंगा, और ये रॉयल्टी की लिमिट होगी 1 ईयर, उसके बाद उस ट्यूशन क्लास को वो डिजिटल कंटेंट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करने के लिए मिलेगा। तो ये आपके लिए एज अ फ्रेंचाइजी एडिशनल बेनिफिट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें बेसिकली जो ट्यूशन क्लासेस CBSE है, ICSE है, स्टेट बोर्ड है, उनका उनको डिजिटल कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। उससे रिलेटेड अगर करिकुलम में कुछ चेंजेस हो जाते हैं तो अपग्रेडेशन भी उसमें आ जाता है, लेकिन वो अपग्रेडेशन का CD या जो पेन ड्राइव जो होता है वो एज अ फ्रेंचाइजी आपके पास आता है, फिर आप जाके उस रिस्पेक्टिव ट्यूशन क्लास के यहाँ जाके अपग्रेड कर सकते हो। क्योंकि ये कंट्रोल हम लोगों ने आपके पास इसके लिए दिया है, तो जिससे ये होगा कि आपकी रॉयल्टी आपको मंथली बेसिस पे अगर नहीं मिल रही है तो आपको उनका करिकुलम अपग्रेडेशन करने की कुछ जरूरत नहीं है। और मैंने देखा है कि एजुकेशन लाइन में इस टाइप का कभी होता नहीं है, अगर कोई सामने वाला ट्यूशन क्लास वाला अगर आपको कमिट करता है कि वो 500 रुपीज या 1,000 रुपीज रॉयल्टी पे करेगा अगेंस्ट डिजिटल कंटेंट, तो वो आपको पेमेंट रेगुलरली करते जाएगा। तो इससे उस ट्यूशन क्लास का भी एडवांटेज मिल जाएगा और आपको फाइनेंशियली भी उसका एडवांटेज मिल जाएगा। अगर आपके कोई क्वेश्चन है इसके बारे में तो आप पूछ सकते हो मुझे। हेलो, हेलो, हेलो मिस्टर तुषार। यस हेलो, सर। हाँ यस सर प्लीज कंटिन्यू। हाँ किसी के अगर कोई क्वेश्चंस हैं, सर आपको सुनाई दिया ना अभी जो मैंने बताया? यस सर, हाँ कंप्लीटेड सर। यस, अगर ओके, किसी के कुछ क्वेश्चंस हो गए तो क्वेश्चंस। यस सर। सो डियर पार्टिसिपेंट्स, अभी हमने जिस ब्रांड का प्रेजेंटेशन देखा है, ब्रांड का नाम है ISVM इंडिया, जो कि पैन इंडिया अपने ब्रांड की फ्रेंचाइज एक्सपेंड कर रहे हैं। अब आपका कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी क्वारी है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में जाकर रेज हैंड पे क्लिक कर सकते हैं और मिस्टर तुषार से बात कर सकते हैं, या आप चाहें तो अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में ड्रॉप भी कर सकते हैं।
ओके मिस्टर तुषार, वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन अरुण फ्रॉम चंडीगढ़, वो जानना चाह रहे हैं कि एनी सेल सपोर्ट फॉर द फ्रेंचाइजी, आपकी तरफ से क्या सेल सपोर्ट मिलता है, प्लीज बताइए। नहीं, इसमें सेल सपोर्ट यानी हमारे साइड से जो गाइडेंस होता है, ऑनलाइन गाइडेंस जो है आपको थ्रू आउट द ईयर आपको मिलते जाएगा, उसमें कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्योंकि इसमें आपको बेसिकली स्कॉलरशिप के बारे में आइदर स्कूल को अप्रोच करना है या इंडिविजुअल स्टूडेंट के साथ बात करनी है, तो उससे रिलेटेड हमारा प्रेजेंटेशन होगा, वो प्रेजेंटेशन हम लोग शेयर कर देंगे। हाँ, हमारा फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे हमारा जो प्रमोशन चलता है उसका आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो एडवांटेज मिलने वाला है। लेकिन मैं अभी आपको रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दूंगा कि हम लोग फिजिकली आपके पास आके किसी को कन्विंस। यस, अगर आपके आपके पास 5 पेरेंट्स है या 10 पेरेंट्स है तो उनके साथ जूम कॉल पे मीटिंग करके हम लोग सब चीजें जो है उनको वन टू वन एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे अभी हमारा जूम कॉल चल रहा है वैसे हम लोग पेरेंट के साथ इंटरेक्शन कर लेंगे। थैंक यू तुषार। मिस्टर तुषार, योर सेकंड क्वेश्चन, मिस्टर मोहित हेलो फ्रॉम मोहित जी। जालंधर, उनका क्वेश्चन है कि जो भी प्रोडक्ट सेल करते हैं तो उस पर एवरेज कितना मार्जिन मिलता है या कितना रिवेन्यू शेयरिंग मिलता है चैनल हाँ, पार्टनर। ये स्कॉलरशिप की एंट्रेंस फी जो होती है 999 है, प्लस 18% जीएसटी, तो टोटल कॉस्ट हो जाती है स्कॉलरशिप के लिए 1179। तो बेस प्राइस जो होती है 999 यानी 1000 रुपीज, उसके ऊपर आपको 25% मिलता है यानी 250 रुपीज आपको पर एडमिशन मिल जाते हैं स्कॉलरशिप के। और जो डिजिटल कंटेंट आप प्रोवाइड कर रहे हो वो आप म्यूचुअली आपके और ट्यूशन के ओनर जो है इनके बीच में आप डिसाइड कर सकते हो। उसमें हम लोगों को कुछ भी हमारा कमर्शियल इंटरेस्ट नहीं है उसमें। थैंक यू मिस्टर तुषार, थैंक्स थैंक यू। अलॉट। मिस्टर नायक फ्रॉम लखनऊ, वो जानना चाह रहे हैं कि आईएसयूएम बेसिकली किस किस तरह के कोर्सेज करवाते हैं। सो प्लीज 2 मिनट के लिए हम जानना चाहेंगे किस तरह के कोर्सेज हम लोग इसमें दे रहे हैं सर, और किस तरह का सॉफ्टवेयर सपोर्ट हम लोग दे रहे हैं। नहीं, इसमें कोर्सेज जो है बेसिकली एक जनरल नॉलेज का कोर्स जो है वो हम लोग ऐप में प्रोवाइड करते हैं, और जो ट्यूशन क्लास के लिए जो होता है वो ट्यूशन क्लास के लिए पूरा उनका जो सिलेबस होता है 1 से 10 स्टैंडर्ड का, आईसीएसई, सीबीएसई और स्टेट बोर्ड का, वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें सब टॉपिक्स, सब सब्जेक्ट जो है कवर हो जाते हैं, जैसे साइंस है, मैथमेटिक्स है, सोशल साइंस है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब मैथमेटिक्स, ये सब टॉपिक्स, ये सब्जेक्ट उसमें कवर हो जाते हैं। और एडिशनल बोलेंगे तो इसमें जनरल नॉलेज का टॉपिक जो है वो जो हम लोगों ने ऐड कर दिया है। क्योंकि आज स्टूडेंट का क्या हो जाता है, स्टूडेंट क्लास में जाने के बाद उसको सब ये सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, तो उसको जनरल नॉलेज सब जगह वीक होता है। ये जनरल नॉलेज जब वो एमपीएससी, यूपीएससी या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए आफ्टर ग्रेजुएशन जाता है तभी वो प्रिपरेशन करता है। लेकिन हमारे ऐप की वजह से उसको जनरल नॉलेज जो है वो फ्रॉम डे वन, वो अगर 2nd स्टैंडर्ड में, 3rd स्टैंडर्ड में है, इंस्टॉल करने के बाद उसको जनरल नॉलेज मिल जाता है कि स्पेशली वो उस ऐप के थ्रू जनरल नॉलेज का उसको नॉलेज हो जाता है। थैंक यू मिस्टर तुषार। थैंक यू। मिस्टर दीपक फ्रॉम नोएडा, उनका क्वेश्चन है कि इज दिस बिजनेस अवेलेबल फॉर गुवाहाटी आल्सो। यस सर, वी आर ओपन अक्रॉस इंडिया। क्योंकि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये बिजनेस टोटली ऑनलाइन है, तो आप कहीं पे भी बैठ के बिजनेस कर सकते हो। हम लोग जूम कॉल पे, व्हाट्सएप के वीडियो कॉल पे, सब जगह पे हम लोग अवेलेबल है। और इसका पूरा डिजिटल कंटेंट भी ऑनलाइन है, तो कोई किसी को फिजिकली वन टू वन, और ये प्रेजेंटली इन दिस सिचुएशन, कोरोना सिचुएशन, वन टू वन मिलने से अच्छा है सब जितना हो सके उतना हम लोग अगर ऑनलाइन काम करते हैं तो सबका लाइफ सिक्योर हो जाएगा उसकी वजह से।
थैंक यू मिस्टर तुषार। थैंक यू। मिस्टर तुषार, हमारे कुछ पार्टिसिपेंट्स ने भी रिसेंटली ज्वाइन किया है, तो मैं चाह रहा था विद इन 5 मिनट के अंदर एक बार दोबारा आप इस ब्रांड का कॉन्सेप्ट एक बार ओके दोबारा हमारे नए विजिटर सामने एक्सप्लेन ठीक करें। है। थैंक यू। ISVM इंडिया ये मुंबई बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन जो है 2018 में स्टार्ट हुआ है और हम लोग फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की जो प्योरली स्कॉलरशिप बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए काम कर रही है। आज जितने भी स्कॉलरशिप आ रहे हो किसी ट्यूशन क्लास के या किसी स्कूल के या फिर किसी सोशल इसके होते हैं कि जिसमें आपने अगर एग्जाम में 80 मार्क्स 80% लाए 90% लाए तो उनको स्कॉलरशिप मिलती है। लेकिन ये हम लोगों ने स्पेशली डिजाइन किया है कि स्कॉलरशिप के लिए कि आप एंड ऑफ द ईयर आप स्कॉलरशिप एग्जाम को अटेम्प्ट करो उस ऑनलाइन अटेम्प्ट करो और उसमें अगर आपने अच्छा 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर लिए तो आपको 1 लाख रुपीज स्कॉलरशिप मिलेगा। आपने 80 आउट ऑफ 100 आउट ऑफ 80 अगर कर लिए तो आपको मिनिमम 5,000 मिलेगा और इस 80 और 100 के बीच में 1 लाख 75,000 50,000 25,000 और 5,000 ये हम लोगों ने स्लैब बना के रखे हैं। तो उस बच्चे को अगर 85 पर 85 मार्क्स मिल गए तो उसको मे बी 25,000 रुपीज स्टेट अवे स्कॉलरशिप मिलेगी। तो ये प्रोग्राम जो है स्पेशली स्कॉलरशिप के लिए, बाकी कुछ भी नहीं इसमें। और आपका स्टूडेंट अगर फर्स्ट स्टैंडर्ड में है सेकंड स्टैंडर्ड में है तो उसका जो सब्जेक्ट होगा उससे रिलेटेड ही क्विज कॉम्पिटिशन होगी। उसमें उसके आउट ऑफ द टॉपिक नहीं होगा कि फर्स्ट टू फोर्थ स्टैंडर्ड के बीच में प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिविजन ये होता है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा। फिर सीजन्स के रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। जो बच्चा डे टू डे एक्टिविटीज में जो पढ़ रहा है वही उसको क्विज कॉम्पिटिशन में उसको आंसर करना है। और उसके साथ में हम लोग फ्रेंचाइजी को डिजिटल कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपके नियर बाय एरिया में जो कोई लोकल ट्यूशन क्लासेस रन कर रहे हैं जिनके पास 25 स्टूडेंट्स है 30 स्टूडेंट्स है 40 स्टूडेंट्स है लेकिन वो व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड ही यूज करते हैं तो उनके पास लैपटॉप लैपटॉप होता है और प्रोजेक्टर अरेंज करना आज की तारीख में बहुत बड़ी बात नहीं है। तो हमारी कंपनी जो है आपको फ्रेंचाइजी को डिजिटल कंटेंट प्रोवाइड करेंगी CBSE ICSE और स्टेट बोर्ड का। तो आप इस लोकल ट्यूशन क्लासेस को अप्रोच करके उनको ये डिजिटल कंटेंट आप प्रोवाइड कर सकते हो। इसके लिए हम लोग डिजिटल कंटेंट का फ्रेंचाइजी को कोई भी चार्ज नहीं कर रहे, इट्स 100% फ्री ऑफ कॉस्ट चार्ज। लेकिन जब आप इस ट्यूशन क्लासेस को अप्रोच कर रहे हो तब आपको उनको रॉयल्टी चार्ज करनी है, जो रॉयल्टी 500 रुपीज से लेकर 10,000 रुपीज तक होती है, जिस डिपेंड ऑन कलेक्शन ऑफ दैट ट्यूशन क्लासेस। अगर किसी का कलेक्शन 10,000 रुपीज है तो आप 500 रुपीज या 1,000 रुपीज पर मंथ उनसे ले सकते हो। आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है 1 ईयर का होगा उस ट्यूशन क्लास में। उस 1 ईयर में अगर कोई अपग्रेडेशन हो जाता है, करिकुलम में चेंजेस हो जाते हैं तो वो चेंजेस जो है कंपनी आपके पास भेजेगी, फिर आप उस रिस्पेक्टिव ट्यूशन क्लास में जाके वो अपग्रेडेशन कर सकते हो। हमारी फ्रेंचाइजी फी है 2,000 रुपीज और स्कॉलरशिप की चार्जेस है 1,000 रुपीज प्लस 18% GST, तो इट कम्स 1,179 रुपीज। तो आपको 1,000 रुपीज पे हम लोग 25% रॉयल्टी देते हैं, तो 250 रुपीज पर स्टूडेंट आपको मिलते हैं। तो आज अगर आपकी 2,000 रुपीज फ्रेंचाइजी फी आप पे कर रहे हो और आपको 8 स्टूडेंट मिल गए तो आपके 2,000 रुपीज तो रिकवर हो जाते हैं। तो इनिशियल स्टेज में आपको ये टारगेट रखना है कि मुझे फर्स्ट मंथ में 25 स्टूडेंट्स ही एक्सेप्ट 25 स्टूडेंट्स लेने हैं मिनिमम। उसके बाद धीरे धीरे माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होने के बाद वो 25 का 50 80 100 ये नंबर ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। अगर आप स्कूल को डायरेक्टली अप्रोच कर देते हो कि किसी स्कूल को आपने अप्रोच कर लिया और उस स्कूल ने बताया कि आपको कि वो 500 स्टूडेंट देंगे या 700 स्टूडेंट देंगे, तो उस स्कूल के लिए हम लोग स्कूल के जो ट्रस्टी हो गए या प्रिंसिपल के लिए है हम लोगों ने एक स्लैब बना के रखा है कि 300 स्टूडेंट्स हो गए तो उनको एक हम लोग मोबाइल गिफ्ट देंगे, अगर 800 स्टूडेंट्स हो जाते हैं तो एक लैपटॉप गिफ्ट देंगे। तो आपको आपके 250 रुपीज जो आपको मिल रहे हैं उसमें आपको कहीं कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है, वो कंपनी उनको प्रोवाइड कर रही है कि अगर आज प्रिंसिपल ने आपको प्रिंसिपल है या कोई एडमिन इंचार्ज है या कोई ट्रस्टी है जिन्होंने आपको फेवर कर दिया कि इतने स्टूडेंट्स दे रहे हम लोग, तो जो उनका स्लैब होगा उसमें वो गिफ्ट जो है उनको डायरेक्टली हम लोग कंपनी की साइड से उस स्कूल के एड्रेस पे उस बंदे के नाम पे चली जाएगी।
या फिर अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो आपके एड्रेस पे हम लोग भेज देंगे, आप वो कंसर्न ट्रस्टी को या कंसर्न पर्सन को वो गिफ्ट प्रोवाइड कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आपको 250 रुपीज में से किसी को कुछ शेयर नहीं करना पड़ेगा, ये सबसे बड़ा एडवांटेज रहेगा आपको। यस सर, Thank you, Mr. Tushar. या Thanks a lot. थैंक यू। So, dear participants, we have only 5 minutes left. हमारे पास सिर्फ 5 मिनट है. आपका कोई भी क्वेश्चन है या क्वारी है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में जाकर रेज हैंड पे क्लिक कर सकते हैं, मिस्टर तुषार से बात कर सकते हैं, या आप चाहें तो अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में ड्रॉप भी कर सकते हैं. डियर पार्टिसिपेंट्स, आप इस वेबिनार के बाद में भी मिस्टर तुषार से बात करके इस बिजनेस कॉन्सेप्ट को समझ के इस ब्रांड की फ्रेंचाइज बन सकते हैं. प्लीज नोट डाउन द कॉन्टैक्ट नंबर, इट्स 9619707375. आई रिपीट अगेन, इट्स 9619707375. आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मिस्टर तुषार से बात कर सकते हैं. So now we are in the process of question answer session. So dear participants, you can ask your question now. Sir, Nandish Mehta hai sir. Jabalpur se wo janna cha rahe hain ki what type of marketing and promotion activity for franchises. सर मार्केटिंग मीन्स हम लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, जिससे हमारे जो लिफलेट होते हैं, इमेजेस जो होते हैं, हम लोग वेरियस ग्रुप पे शेयर कर देते हैं, और हम लोगों ने इसके लिए आपके आपके साथ फ्रेंचाइजी फी जो है इतना लोएस्ट रखा है कि 2000 रुपीज। हाँ, हम लोग इसका 20,000 करने के बाद हम लोग आपको कमिट कर सकते थे, लेकिन नो डाउट अगर आपके पास दो स्टूडेंट, दो पेरेंट्स है, तीन पेरेंट्स है, तो हम लोग एक जूम कॉल करके उनको सब काउंसलिंग वगैरह करके इस टाइप की हेल्प हम लोग कर सकते हैं। लेकिन आपको ही मार्केटिंग के लिए जो है, आपको ही इनिशिएटिव लेना होगा। और आज फेसबुक पे आज इतने सारे पेरेंट्स के ग्रुप हो गए, उस ग्रुप में अगर आपने हमारे साइड से जो आपको इन्फॉर्मेशन आती है, जो लीफलेट आता है अलॉन्ग आपके कॉन्टैक्ट नंबर के साथ, वो अगर आपने प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया तो ऑटोमेटिकली आपके लिए इंक्वायरी जनरेट हो जाती है। हम लोगों ने मेनली इसके लिए फ्रेंचाइजी भी एंट्री लेवल की ही रखी है कि फ्रेंचाइजी को ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की और ज्यादा टेंशन रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग 20,000 25,000 रख देंगे तो फिर हम लोग आपको कुछ ना कुछ तो भी कमिटमेंट करेंगे, लेकिन फिर से आपको एंट्री लेवल के लिए फिर डिफिकल्टी हो जाएगी कि 25,000 रुपीज पे कर रहा हूँ मैं, फिर मेरा निकलेगा कि नहीं। 250 रुपीज यानी 100 स्टूडेंट के बाद मेरा 25,000 निकलेगा। तो इसके लिए हम लोगों ने आपके कंफर्ट लेवल के लिए कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट अगर आपका कम होता है तो टेंशन फ्री काम कर सकते हैं। लेकिन हाँ, हम लोग 100% जूम मीटिंग, ऑनलाइन मीटिंग के लिए आपके लिए ओपन है। आप हम लोगों को सिर्फ 1 आवर पहले बता दो कि सर मैं 1 आवर के बाद एक तीन पेरेंट के साथ जूम मीटिंग रखना चाहता हूँ, तो हम लोग उसके लिए रेडी हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मिस्टर अंकुर। हाँ अंकुर जी। मिस्टर अंकुर प्लीज अपना ऑडियो ऑन करिए। सो आर डियर पार्टिसिपेंट्स, प्लीज ड्रॉप योर क्वेश्चन इन चैट बॉक्स and you can raise your hand in chat box also. सर सुमित वशिष्ठ का क्वेश्चन है, वो जानना चाह रहे हैं कि एक सिटी के अंदर आप कितनी मैक्सिमम फ्रेंचाइज अपॉइंट करके दे सकते हैं। हम लोगों ने एक 3 किलोमीटर का रेडियस बनाया है हर एक एरिया में, कि हर एक सिटी में कि 3 किलोमीटर के डिस्टेंस के बाद ही हम लोग दूसरा फ्रेंचाइजी अपॉइंट करेंगे, क्योंकि आपको मिनिमम 10 ट्यूशन क्लासेस, क्योंकि हमारा
टारगेट ये भी है कि आपको ट्यूशन क्लासेस, आपको स्कॉलरशिप की भी एडमिशन मिलने चाहिए, साथ में जो ट्यूशन क्लास के थ्रू जो डिजिटल कंटेंट का आपको रॉयल्टी इनकम मिलने वाला है, वो भी आपके लिए इनकम होगा, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आपका रॉयल्टी इनकम स्टार्ट हो गया, तो आपको दूसरा कोई और बिजनेस करने की जरूरत नहीं, आप इसमें ही अच्छी तरह से फोकस कर सकते हो। और एक चीज और एक बताना चाहूंगा मैं, कि अगर 25 स्टूडेंट्स का अगर आपको ट्यूशन क्लास मिल गया, वहां पे आपने डिजिटल कंटेंट प्रोवाइड कर दिया, तो ऑटोमेटिकली वो 25 स्टूडेंट्स भी स्कॉलरशिप के लिए अपीयर करने वाले हैं। वो आपका पहला क्राइटेरिया हुआ, तो ऑटोमेटिकली उसका भी जो 25%, जो 250 रुपीज मल्टीप्लाइड बाई 25 जो है अराउंड 6,500 रुपीज, ये भी आपके लिए फायदेमंद हो रहेगा। आपको रॉयल्टी तो मिलती रहेगी, और ये 25 स्टूडेंट के जो 250 रुपीज आपको इंसेंटिव मिल रहा है कंपनी से, वो भी आपका प्रॉफिट होगा। तो हमारा यही टारगेट है कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट में आप इस बिजनेस पे अच्छी तरह से डिपेंड रह सकते हो, क्योंकि ये बिजनेस जो है थ्रू आउट द ईयर्स एंड ईयर्स चलने वाला है। क्योंकि हर साल बच्चे बढ़ने वाले हैं, हर साल नए नए टॉपिक्स आएंगे, तो ऑटोमेटिकली बच्चों का इंटरेस्ट बढ़ते जाएगा। थैंक यू सर। थैंक यू। सो डियर पार्टिसिपेंट्स, मिस्टर अंकुर, मिस्टर अंकुर प्लीज अपने तरफ से अनम्यूट करिए। हेलो मिस्टर अंकुर, प्लीज अनम्यूट फ्रॉम योर साइड। यू हैव एनी क्वेश्चन? थैंक यू मिस्टर तुषार, थैंक्स अ लॉट। सो डियर पार्टिसिपेंट्स, आज हमने इंडियाज वेल नोन एंड ग्रोइंग ऑनलाइन एजुकेशन ब्रांड ISVM इंडिया की फ्रेंचाइज बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में मिस्टर तुषार से जाना, एंड वी होप कि आपको यह सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप ISVM इंडिया की फ्रेंचाइज में इंटरेस्टेड हैं या मिस्टर तुषार से दोबारा बात करना चाहते हैं, तो प्लीज़ नोट डाउन द कॉन्टैक्ट नंबर। इट्स 9619707375। डियर पार्टिसिपेंट्स, अगर आपने ये वेबिनार लेट अटेंड किया है, तो प्लीज़ आप franchiseapply.com के फेसबुक पेज पर जाकर या यूट्यूब चैनल पर जाकर इस पूरे वेबिनार को अगेन देख सकते हैं। एंड रिक्वेस्ट टू यू ऑल, प्लीज़ ड्रॉप योर नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर विथ मेल आईडी इन चैट बॉक्स, सो वी कैन कॉन्टेक्ट यू। If you want to know our next upcoming franchise webinar, then you can directly contact to franchise apply team. Our contact number is 8209930950. And a warm thanks to Mr. Tushar for addressing today's webinar session. Thanks a lot, sir. And thanks to all participants for attending today's webinar session. Gracias.